कारपेट पे आपने एक डांस फॉर्म परफॉर्म किया है, क्या कहना चाहोगे सर आपने डांस फॉर्म के बारे में? जो डांस फॉर्म परफॉर्म किया ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चंडीगढ़ के जो रीजन है हमारा उनकी ओर से किया हमने, और ये सॉन्ग एंड डांस का एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ प्रोडक्शन का एक जो है हमारा एक पार्ट है। और हम लोग जो है यहाँ हमने डिग्याली नाच जिसमें कि मास्क डांस पेश किया गया, डिग्याली कृष्ण जन्माष्टमी के 7 दिन बाद त्रयोदश और चतुर्दश को जिला सिरमौर के और अनेकों क्षेत्रों में ये होता है। और इसमें जो है ऐसा माना जाता है जो हमारी दंत कथाएं हैं या हमारी हमारे लोकल जो टैलेंट है उसमें ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण जन्म हुआ तो कंस ने बिना भांति भांति के प्रसाद जो पिशाच आदि उनके ध्वंस करने लिए भेज दिए, उनको खत्म करने भेजे, लेकिन सभी का संहार करते हुए जब सब खत्म हो गए तो उन पिशाचों ने दो रातें मांगी, वो त्रयोदश चतुर्दश दी गई, लेकिन उनसे शर्त रखी गई कि आप किसी का नुकसान नहीं करोगे। आज जो भय है हमारे ट्राइबल एरिया में भूत पिशाच लगते हैं, उस भय को समाप्त करने के लिए नृत्य हमने जो है प्रतीकात्मक नृत्य के रूप में तैयार किया है। और यह त्रयोदश और होता है ये मात्र प्रतीका करते हैं डिग्याली नाच। तो ये जो मास्क पहना है उसके बारे में थोड़ा आप इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं? मास्क में भयंकर आकृति के मुखौटे जो कि हमारी कृष्ण कन्हैया कान्ह जी में और हमारी जो लोक गाथाओं में आता है कि भांति भांति प्रकार के मुखौटे और भयानक मुखौटे, भयानक शक्लें, और इसी प्रकार से सर्पाकार लड़ियाँ, सर्प तो हम नहीं ला सकते लेकिन उसमें कहने में आता है सर्पाकार लड़ियाँ, और इसी प्रकार से फटे पुराने कपड़े जिसे आप देख रहे हैं, इस प्रकार के लोगों को डराने के लिए तैयार किए थे, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है मुखौटे तैयार किए गए हैं। तो बहुत से जो ट्राइबल डांस फॉर्म कम होते जा रहे हैं, कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अभी कैसे जिंदा रख रहे हो ट्राइबल? ट्राइबल डांस को एक तवज्जो कम दी जाती है, दूसरी बात ये भी है कि लोग ट्राइबल डांस पसंद नहीं करते हैं कि ट्राइब से ही लोग, इसलिए हमने कोशिश किया कि हम सभी लोग मिलकर काम करें और हम इन पुरातन संस्कृति को आगे लाएं और खत्म हो रही विधाओं को लोगों में लेके। जैसे सर आपने आज ईफी में परफॉर्म किया और किसी प्लेटफॉर्म में आपने परफॉर्म किया उसके बारे में थोड़ा जानकारी? सर हिंदुस्तान में 5,000 से अधिक शो में कर चुका हूँ, इवन फॉरन भी गया हूँ और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, राष्ट्रपति हम जो शो करते हैं मैं इससे ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू जोगिंदर सिंह हापी, आप चेक करें सर, चेक करें, थैंक यू सर।